पता क्या लगे शैतान का जो क्योंकि हमें लड़कों की जरूरत नहीं है ये वेलकम टू राबिया फैसल्स यूट्यूब चैनल। और अभी आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ। मैं इस टाइम हमारे थर्ड फ्लोर पर हूँ और मैं क्या करने आई थी, मैं जैकेट लेने आई थी क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी जाना और बाहर इतनी फॉग है, इतनी फॉग है कि मतलब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। और मैं ऊपर से लेट भी होकर मुझे ये था कि व्लॉग भी बनाना है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं रोज़ लेट हुई जा रही हूँ। तो अब इसीलिए मेरे पास कुछ टाइम नहीं है, बस मैं तैयार होने लगी क्योंकि ऑब्वियसली मुझे तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। तो लेट्स स्टार्ट। और बाहर इतनी फॉग है, इतनी फॉग है, इतनी फॉग है, इतनी फॉग है कि मैं क्या बताऊँ। वाओ, और मेरे पास टाइम नहीं दिखाने का, मैं तैयार होने लगी। बाय। इतनी अच्छी, इतनी अच्छी कि मैंने कपड़े ऑलरेडी रात को निकाले थे। देखिए ट्राउजर ये लूज करूंगी मैं। 1 2 3 स्टार्ट। ओके, तो यार फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, ठीक है। और इतना लेट हो गई क्योंकि फातिमा ने भी साथ जाना था और वो भी मतलब अभी तैयार हुई नहीं, और पापा मुझे फटाफट आवाज़ देने आ गई हैं। ओके, तो फातिमा ने मुझे कहा था कि ना उसका शिट यार उसका फ़ोन लेकर आना, ऊपर से मैं भूल गई। वो मुझसे ज़्यादा लेट हो रही है और अभी मैं क्या करती जा रही हूँ। ओके, तो अब मैं रेडी हो गई हूँ, फातिमा भी गाड़ी में जाके बैठ गई है और मम्मा इधर रह गए, यूट्यूब बनी हुई है। और अब मैं फाइनली, अब ये देखो दरवाजा खोलने का फिर मसला आ जाएगा। मैं ना मेरे देखो ये भागो और भागे। ओके मम्मी बाय। चलो यार फातिमा किधर है गाड़ी? हाँ देखो आपा ने गाड़ी वहाँ खड़ी की, पहले इतनी शोर है। फातिमा नहीं अभी आई, पक्का फातिमा सेल्फीज ले रही होगी। फातिमा किधर सेल्फीज ले रही हो ना? और ये पीकी ब्लाइंडर। ओके, तो जल्दी से जाके गाड़ी में, बाहर इतनी फॉग है। तो ओके, तो अब आपको मैं फिलहाल अपनी तैयारी थोड़ी सी दिखा देती हूँ। मेरा मेकअप भी देख लें गौर से और मेरे कपड़े। ओ, मैं नेल पॉलिश लगाई नहीं, शिट। ओके, तो यार इतनी मैं तैयार होने में बिजी थी कि मुझे भूल ही गया कि मैंने परफ्यूम भी लगाना है। लेकिन शुक्र है कि मैंने बैग में रखा हुआ है ऑलरेडी इमरजेंसी के लिए, क्योंकि किसी भी टाइम आपको बैग में इस तरह निकालना पड़ता है कि बंदा। तो मुझे लोगों ने कार्ड्स दिए, मैंने वो भी अंदर रखे हुए हैं। ये आज पर्पल लगाएंगे ना, ये नहीं कुछ दूसरा वाला लगाते हैं। ज़्यादा ही लगा लिया। फाइनली यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। हमने पहले फातिमा को उतारा था और यहाँ से फातिमा पहले बैठी थी, फातिमा गायब हो चुकी है। तो अब मैं उतरने लगी हूँ, बस दुआ करें क्लास के लिए लेट ना हुई हूँ। पता नहीं टाइम, मैं अपने तरफ से तो पूरे टाइम पे पहुँची नहीं, लेट पहुँची। अच्छा, हमारी डीजे नाइट आज लेट लेने आना है, मैं कॉल करूँगी तब, ठीक है? ओके बाय। ओके, तब जल्दी जल्दी से जाते हैं। यार मैंने वैसे हिसाब लगा आज मैंने मॉर्निंग सेल्फीज भी नहीं ली है, मतलब इतना बंदे को क्या है। मैं मेरा रूटीन बहुत ही ख़राब होती जा रही है, मैं दिन ब दिन बस बंदा चलता जाए और बस पढ़ता रहे। ओके गाइस, सो फाइनली अब मेरी क्लास हो गई है, जो मतलब फर्स्ट क्लास थी वो वैसे ही कैंसिल हो गई थी, और दूसरी वाली क्लास जो वो मैंने ले ली। और हमने खाना भी खा लिया यहाँ पर, इतना मतलब ये खाना भी खाया था और उठाया भी नहीं। मतलब मैं इनको यही सिखाती हूँ कि खाना वगैरह उठाया करो। और यहाँ पर जो है ना, अभी मैं आपको थोड़ा अपडेट देती हूँ, यहाँ पे शूट हो रहा है किसी ड्रामा का। गाइस, तो यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में ना कोई मतलब बड़े वो एक वो वाले आए हुए हैं, पता नहीं कौन से जो कोई जॉब्स वगैरह देते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं कोई फॉर्म फिल करूँ आसान को। तो मैं आ गई हूँ स्पेशल फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है? कहाँ फॉर्म फिल करना है और ये किस लिए है मतलब? वैसे मुझे भी तो दिखाओ ना। हाँ हाँ, अब अच्छा किस लिए है फॉर्म? अच्छा, ये फॉर्म जो है ना बेसिकली जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है? आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, ठीक है? तो हमें सैलरी मिलेगी इस पर? हाँ, क्यों, ऑब्वियसली मिलेगी। कितनी? ठीक है, 5 लाख की सेल के ऊपर 50,000 रुपए। तो मतलब आप लोग स्टार्ट करो, मतलब ठीक है? हाँ, बहुत ज्यादा हमारे जैसे बच्चे के लिए एक हफ्ते की प्रॉफिट में नहीं है। तो इसमें कुछ एज का तो नहीं है ना कि मतलब इतने एज के बच्चे चाहिए या मतलब बड़े एज? तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, इसमें एज की कैसी वैल्यू है? लेकिन इतने के 18 अंडर 18 ना हो या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें 15 साल का बच्चा भी कमा सकता है। हाँ, बस जो छोटे बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बस आप लोग करें काम, पैसे कमाएं। कंटिन्यूअसली लैपटॉप नहीं देखना, आई शेड वीक होने का कोई चांस नहीं है। बर्गर खाएं, कमाएं, जो मर्जी करें, बस टमी बढ़ाएं। यस, आपको उनको देख के लग रहा कि वो माशाल्लाह खाते पीते घर से और कमा रहे हैं, है ना? ठीक है, अब कहाँ फॉर्म फिल करना है? ठीक है, इसमें फिल क्या करना है हमने? इसमें आपने अपना नेम लिखना है, ठीक हाँ। है, अपना नंबर लिखना है, और जिस जॉब में जिस सेक्टर में आप इंटरेस्ट रखती हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से या मार्केटिंग के हवाले से, वो चीज मेंशन कर ली, ठीक है? तो ओके, हम फॉर्म फिल करते हैं और फिर अब मैं भी पैसे कमाऊंगी बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी रिच हो जाऊंगी।
खुदा करे ऐसी भी हो जाइए। हाँ ये भी हो जाए, सब प्यार हो जाए, पैसा कमाना तो सबने आए। ओके गाइस, सो फाइनली सारी क्लासेस ले ली थी और अब यहाँ पर जो है ना वो प्री हाइप हमारे डीजे नाइट थी वो स्टार्ट हो गई है। कुछ इस टाइप का माहौल है, मतलब ये कोई बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी यूनिवर्सिटी टाइप सी है, तो मुझे समझ नहीं आया आपको क्या दिखाऊं, बट चलो फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको साथ साथ दिखा देती हूँ। ओके गाइस, सो वहाँ पर इतना रास्ता एंड मीट माई न्यू फ्रेंड, न्यू नहीं काफी पुरानी है, मतलब यो ये थोड़ी सी यो टाइप सी है, मतलब कि ना बड़ी बदमाश है ना। मैं बदमाश हूँ, मैं बस राबिया वाइब हुआ मेरे साथ ही वाइब करती हूँ, वाइब करती हूँ मैं, और अभी हम दोनों मिलके एंजॉय करेंगे ठीक है, क्योंकि हमें लड़कों की जरूरत नहीं है। ये लेट्स गो और अभी यहाँ पे इतना शोर है, अभी हमने वेफर भी खाए हैं, अभी डेगी भी फ्री मिली है हमें, पता है पी लो। ओके सो फाइनली अब मैं डीजे नाइट से फ्री हो गई, मतलब इतना मज़ा नहीं आया, बहुत ही बेसिक नॉर्मल सी थी, एवं बस गंदम बलाई था, मतलब बस बल्कि मज़ा नहीं आया, इसलिए मैंने इतना व्लॉग भी नहीं बनाया, ऊपर से मेरे फ़ोन की चार्जिंग बहुत कम थी। अच्छा तो बाबा लेने आ गए, मैं घर जा रही हूँ, मुझे पता है बहुत थोड़ा व्लॉग बना, ठीक है अब मैं आपको दिखाऊँगी इसके बाद अपना घर जा कर भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी अपना कल का दिन, ठीक है। ओके तो वह सामने जो है ना वो बाबा लेने आ गए हैं, ठीक है अभी इसके बाद हम लोगों ने जाना है बर्थडे पर, और वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा अपना दिखा दूँगी, तो चलो बहुत ठंडा है। ज़्यादा वेट तो नहीं करवाया मैंने, नहीं मुझे लगा मैंने ज़्यादा वेट करवाया आपको, पता नहीं मेरे फ़ोन को क्या हो गया, इसका ना वो HDR ऑन हुई जा रहा, बंदा काला काला दिख रहा है इसमें, पता नहीं मुझे भी पता है। मैं ठीक करती हूँ, पापा को एक मैंने ये शूज पहने थे, जींस पहनी थी, जैकेट पहनी थी, इतनी प्यारी से खोलो राबिया फैसल मम्मा जी खोले मतलब अजीब अजीब हरकतें क्या है ये, और मतलब ये लोग पढ़ने नहीं आते यहाँ पे, सिर्फ मस्तियाँ करने आते हैं, मतलब एक कोई इनकी हरकतें नहीं, सिर्फ मस्तियाँ कर रहे हैं खड़े होकर, पढ़ लिया करो। ओके गाइस सो हमारी सारी क्लासेस हो चुकी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी फोग है, मतलब कि यहाँ पे हमारी कवाली नाइट हो रही है बट हम अटेंड नहीं कर रहे हैं, सामने मैं आपको एक भालू से मिलवाती हूँ, वन एंड ओनली भालू। ओके गाइस सो इतनी ठंड है और आज मैंने आपको बिल्कुल भी मेरे ख्याल से अपडेट नहीं किया, क्योंकि आज हमारी कॉन्स्टेंटली क्लासेस थी ठीक है और कुछ करने को नहीं था, तो मुझे समझ नहीं मैं आपको आज क्या दिखा दी, तो इसलिए मैं आपको कल का दिन दिखा दूंगी, क्योंकि कल हाँ लेकिन मैं आपको बताऊँ इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड हो रही है, उसके से फोग और ये चीज़ मेरी सबसे बेस्ट है, जिस जिसने ट्राई किया वो कमेंट में बताए, और हम पापा को वेलकम कहते हैं। मैं लेट हो गई, इतनी ठंडा है कि क्या बताऊँ, और आज व्लॉग भी नहीं बना क्योंकि क्लासेस थी इतनी कॉन्सेंट्रेट, थोड़ा सा बनाया बस मैंने। ओके तो अब मैं आ गई हूँ घर, खोलो जी मेरा कल एक्सीडेंट हुआ था, प्लीज़ खोलें फातिमा। ओके तो अब मैं आपको पता नहीं मैंने आज आपको मेरे ख्याल से मैंने आपको आज कुछ भी नहीं दिखाया आज, तो मैं अब आपको नेक्स्ट डे दिखा दूँगी, मैं बहुत थक गई हूँ, अब जाके रेस्ट करूँगी मैं। ओके गाइस तो अब क्या है, हाँ अरे भाई गेम है आपके, मैं तुम आंखें बंद करोगे मैं चूज करूँगी ठीक है, मैं चूज करूँगी तुमने ओ हाँ ठीक है चलो एक मिनट फातिमा ये नहीं था, था तुम आंखें बंद करोगी मैं शफल करूँगी, हाँ ठीक है रुको आंखें बंद है इसकी चीटिंग नहीं करना लॉर्ड, चलो करो मेरा दिल चाह रहा है वैसे ग्रीन या ब्लू, मेरा दिल चाह रहा है ना जो वो ब्लू खाने को चाह रहा है, नहीं और दिखाओ यार चीजें सारी लोग एक्सप्लोर करो, ये है हमारे पास, मुझे भी बड़ा मजे की होती है रफेल, हाँ मुझे सबसे बुरी ये लगती है बता, हाँ मुझे नहीं पसंद, बहुत मजे की होती है, मुझे नहीं पसंद, देखो मुझे ना वाइट चॉकलेट ज्यादा पसंद है इस अंदर से ये वाली, और ये भी है लोगों के पता क्या फेवरेट है, लोगों को ये पसंद आया होगा मुझे पता, हॉट विंग्स वाली ये खाते हैं ये बड़ा पैकेट है फिर कभी ठीक है, नहीं जो आप भी ये भी अच्छी है काली मिर्च वाली,
लेकिन इनका स्टफ तो पता है बाहर की तो ले देते, इनका स्टफ चेंज होता है, सख्त होती है थोड़ी, ये तो लोगों को पता है कितनी फेवरेट है। ठीक है, और ये मुझे लोकल चीजें हैं फातिमा है तो ये बाहर से आई है लेकिन। और अच्छा सबसे अपनी महंगी वाली चीज दिखाओ, सबसे अच्छी चीज। और तुम्हें पता है ये कौन सी वाली है, प्लेन नहीं है, यहाँ से नहीं मिलती है, क्रंची है, अंदर बिस्किट है इनके बेटा, फोकस करके बादाम होता है वैसे नहीं, वो हेजलनट वाली होती है ना, ये वाली क्रंच है, ये वाली खोलोगी तो बाद में ऐसे करोगी क्या, ये खोल के खा के फिर बंद कर लेते हैं। हाँ हाय हाय, देखो यहाँ से खुला, खोलो फातिमा अभी से तुम खोल, बहुत बदतमीज है, अपनी चीजें नहीं खोल। अच्छा एक से खाओ, देखो ठीक है मैं टेस्ट करता हूं, बिस्किट के ऊपर जरा सी चॉकलेट बेटा, लोग बढ़ते हैं ऐसे, तुम्हें क्या पता हमारे दो में 5 रुपए के 2 एक देना, मुझे भी देना, वैसे टेस्टी है, एक मुझे भी दे दो, सबसे गंदगी मुझे बदाम वाली लगती है। ओके तो यार अब ना हमने ये सोचा कि वो जो वो थी ना M&M's वो बंद मतलब खोल दी है फातिमा ने, वो खुल नहीं रही है मतलब कि खोल दी उससे वो वेस्ट हो रही, तो मैंने ये सोचा कि मैंने एक बॉक्स को पकड़ूंगी उसके अंदर डालूंगी ताकि जैसे वो लोग करते हैं ना मतलब कि बड़ी प्यारी लगती है ना, कोई अब हम ढूंढते हैं कोई, हमने ढूंढा एक शीशे का ये, इसके अंदर हम डालेंगे सारी वो M&M's, तो फिर हम मैं थोड़ी सी फिर बॉय लड़की बन जाऊंगी जो पापा की पड़ी टाइप होती है ना, जो एक 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 करके खाती है। इसका इनका स्टफ अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे अगर गंदी इनकी ये ना ऐसे हार्ड होंगी चिप्स, पता है खाओ खाना ही नहीं, मुझे पेट दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों खा के कैसा है थप्पड़ मारने क्या तुम कैंडो के रिव्यू ही नहीं दे रही हो, मैंगो की चटनी टाइप पाई लेकिन मजे क्या, मैंगो का मीठा फ्लेवर भी कुछ हुआ है पता क्या लगे शैजान का जो शैजान की बोतल पी रहे। ओहो एक मिनट मम्मा, इसको अब हम डालेंगे इसके अंदर, स्वाद ही फातिमा की स्नैप आ गई है, फातिमा हद भी खत्म है, तो मैं इसमें छुपा कर जो है ना अपनी चीज़ें रख दूँगी ताकि कोई ले ना ले, वरना ये जो ज़ैनब है ना खा ले। ज़ैनब जो है मैडम सो चुकी हैं और ये मेरा क्यूटू, मैंने आपको इससे तो मिलवाया ही नहीं, हेलो मेरे व्लॉग में हाय बोलो हाय, और अब ये इधर बैठा हुआ और अब मैं सोने लगी हूँ, सो अब मैं आपको दिखाऊँगी सुबह के सुबह, मतलब सुबह दिखाऊँगी ना कि सुबह मेरी यूनिवर्सिटी जाना है, बहुत काम है, तो सुबह मिलते हैं। ये हाय गाइस, सो वेलकम टू अनदर डे, और आज इतनी ठंड है और मैं मतलब घर से नहीं बना पाई व्लॉग क्योंकि मैं लेट हो गई थी एज यूजुअल, मतलब जो जैसे होती हूँ हमेशा, तो अब मैं ऑलरेडी जो मेरी क्लासेस के थोड़ा लेट हो गई हूँ, तो इसलिए जल्दी जल्दी पहले क्लास लेते देन मैं भी आपको दिखाऊंगी कि आज करना, आज जैसे हमने थिएटर की ना प्रैक्टिस करनी थी तो आज पता नहीं देखा। ओके गाइस, सो फाइनली क्लास में आ गई हूँ, लेकिन क्लास में भी सारे बच्चे बाहर गए क्योंकि ब्रेक है, मैंने कहा आप लोग को थोड़ा बता दूँ कि अभी असाइनमेंट्स जो है ना हम सबमिट करवा रहे हैं सब बच्चे, मतलब इस तरह से कि असाइनमेंट्स मतलब जो हमने मूवी शूट की थी वो, तो अभी जब मेरी बारी आएगी तो मैं आप लोगों को फिर सारा जो मेरी टर्न है उस पर दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से करती हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कसम से, पता नहीं क्या होगा, तो अभी हमारी ब्रेक है उसके बाद देखते हैं। ओके तो यार अब फाइनली हमारी ब्रेक थी और अब ब्रेक में हम लोग अपनी दूसरी असाइनमेंट करने लगे हैं, उस असाइनमेंट में क्या है कि हम लोगों ने मतलब जो हमारे थिएटर की हमें असाइनमेंट मिली थी कि हमें थिएटर की प्रैक्टिस करके उसकी रिहर्सल्स करके सबमिट करवानी है, तो अब हम लोग यहाँ पे रिहर्सल्स करेंगे और रिहर्सल करके उसकी वीडियो बना के वो सबमिट करवाएंगे, फिर हमें उसके मार्क्स मिलेंगे ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो मतलब एक हो जाएगा उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर उसके बाद हम उसको थिएटर में परफॉर्म करेंगे, तो अभी हम लोग रिहर्सल्स करने लगे हैं, तो चलो फिर मतलब पता नहीं स्टार्ट करते हैं। ओके यार तो फाइनली हमारी ब्रेक खत्म हो गई और अब मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ, पता नहीं मेरी फिल्म कैसी होगी, तो बस चलो लेट्स सी। फाइनली मैंने अपनी फिल्म शो कर दी और मेरी और सर ने मेरी तारीफ भी की और मतलब पता नहीं अब कितने मार्क्स आएंगे लेकिन बहुत अच्छी हो गई है, शुक्र है बता रहे हो, अब हम नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं तो फिर आगे आपको कंप्लीट। ओके यार तो फाइनली जो हमारा आज क्विज था वो भी हो गया एंड बहुत 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 अच्छा हुआ है,
तो अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास है, लेकिन अभी ब्रेक है तो हम लोग अभी पता नहीं मुझे कुछ समय, तो अजीब सा ना कुछ देखे बंदा हो जाता है ना, थक जाता है, तो वो हो गया। ओके गाइस, तो अब मैं फाइनली यूनिवर्सिटी से घर जा रही हूँ। आज का दिन बहुत ही बहुत ही बहुत ही थका हुआ था दिन, मतलब बहुत बंदा थक गया बहुत ज़्यादा। और अब जो है ना क्या कहते हैं, मैं घर जा रही हूँ लेकिन मैं बाबा के साथ जा रही हूँ क्योंकि बाबा बिजी थे, इसलिए अब मैं जा रही हूँ कैब में। ओके गाइस, तो फाइनली अब घर आ चुका है, ओहो, और मैं घर पहुँच गई हूँ। आज यार मुझे इस पर आना पड़ा था कैब पर, और अब हम घर पहुँच चुके हैं और अब हम बेल बजाकर, अब मैं क्या कहूँ आप लोगों को, कुछ नहीं। ओके सो अगर आप लोग को व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, सब कुछ करें और ऐसे ही देखते रहें, ठीक है। मुझे कमेंट्स में सजेस्ट करें कि मैं और कुछ अगर आप लोग चेंज वगैरह चाहते हैं तो आई कैन डू। ओके बाय बाय।